मॉस्किटो मैन ये एक साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक वायरस फैल गया है जिसके इलाज के लिए एक साइंटिस्ट मॉस्किटोज पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। वो इंसान पर भी परीक्षण करने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये आदमी एक भयानक मच्छर में बदलने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी के बारे में यह मूवी है। दोस्तों, मूवी की कहानी मुझे पसंद आई और इसका एग्जीक्यूशन भी बढ़िया है। मूवी का डायरेक्शन भी अच्छा है और परफॉर्मेंसेस भी मुझे डिसेंट लगे। इसके कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग है, बस कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया गया है, लेकिन इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मूवी के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत बढ़िया है। ये मॉस्किटो बहुत जगह पर रियलिस्टिक लगता है। जब ये आदमी धीरे धीरे मॉस्किटो में बदलने लगता है, वो पूरी तरीके से लॉजिकल तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी कन्विंसिंग लगता है। कुछ जगह पर मूवी इनलॉजिकल ज़रूर है, लेकिन वो बात हमें परेशान नहीं करती। ये मूवी 2005 में बनी है और ये एक लो बजट मूवी है, उस हिसाब से ये हमें बहुत जगह पर इम्प्रेस करती है। इसमें कुछ अच्छे टेंशन बिल्डिंग सीन्स भी है, जहाँ पर आपको बहुत सारा खून खराबा भी देखने को मिलेगा। लो बजट के हिसाब से इसके विजुअल इफेक्ट्स भी हमें काफ़ी हद तक इम्प्रेस करते हैं। ये 1 घंटा और 32 मिनट की मूवी है, लेकिन ये कहीं पर भी हमें बोर नहीं करती। इसका स्क्रीन प्ले भी मुझे पसंद आया, लेकिन सिनेमाटोग्राफी एवरेज है। इसकी हिंदी डबिंग मुझे ठीक ठाक लगी और इसमें नॉर्मल एडल्ट सीन्स है, मतलब ओपनली कुछ दिखाया नहीं है। प्रो ऑडियंस को ये एक एवरेज मूवी लगेगी और ओवरऑल मूवी डिसेंट है। अगर आपको ऐसे क्रिएचर्स वाले मूवीज़ देखना पसंद है तो ये आपको अच्छी लगेगी। मैं इस मूवी को दूंगा 6 out of 10। और दोस्तों, मैंने लेक प्लासिड मूवीज़ के Part 1 और Part 2 दोनों का रिव्यू किया है, उन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।